नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। एमपी तक एक बार फिर दर्शकों के बीच रोज की तरह लेकर आ गया है मौसम का हाल। सुबह सबसे पहले आपको हम मौसम की जानकारी देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में मॉनसून थोड़ी धीमी गति से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। मॉनसून के अभी तक एग्जिट हो जानी चाहिए थी, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि मॉनसून को अभी पूरी तरीके से वापस जाने में थोड़ा समय लगेगा और इसी लिहाज से मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के लिए खासतौर पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर वो जिले जो महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं, जिनमें हरदा, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले शामिल है। इन तमाम जिलों में आपको बता दें कि येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट यानी कि यहां पर हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का यह भी मानना है कि पूरे एमपी में भले ही बचे हुए एमपी में ग्रीन अलर्ट हो, लेकिन सभी जगहों पर बादल छाए रहेंगे। तापमान में बढ़ोतरी नहीं होने की बात कही गई है, लेकिन तेज हवा चलने, खासतौर पर ठंडी हवा चलने और उसके साथ आपको बता दें बिजली गिरने यानी कि आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में हल्की छींटाकशी भी हो सकती है, खासतौर पे भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में बारिश देखने को मिल सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी हल्की बारिश होगी, लेकिन बादल सभी जगह पर छाए रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र में धूप निकलने का मौसम विभाग ने अनुमान जो है वो जारी किया है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले एक सप्ताह के बाद मध्य प्रदेश से मॉनसून की पूरी तरीके से एग्जिट हो जाएगी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में ठंड दस्तक देती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम को लेकर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।